कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की दौड़ के बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री की दौड़ में ऋषि सुनक ने देश में बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच ब्रिटेन के सबसे कमजोर लोगों का समर्थन करने की कसम खाई है। जैसे कि सब जानते हैं, अगला प्रधानमंत्री बनने का अभियान जारी है। सुनक ने कहा कि वो पूरी तरह से महंगाई जैसे घरेलू चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसका आज उनका देश सामना कर रहा है। हालांकि कई विश्लेषक और लगातार सर्वेक्षण बताते हैं कि सुनक के सामने सबसे बड़ी चुनौती 10 डाउनिंग स्ट्रीट का रास्ता है। कंजर्वेटिव पार्टी नेतृत्व के नतीजे आने में बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लिज ट्रस की ऋषि सुनक पर जीत तय है। 5 सितंबर को अगले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में बोरिस जॉनसन की जगह कौन लेगा, ये तय करने के लिए वोट के परिणाम आएंगे। इसमें माना जा रहा है कि लिज ट्रस सुनक पर जीत हासिल कर सकती हैं। ब्रिटेन के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक, जो देश के अगले प्रधानमंत्री बनने की राह पर हैं, गुरुवार को उन्होंने कहा कि बढ़ती लागत से निपटने के लिए ऊर्जा बिलों में कमी समेत एक योजना तैयार की गई है। उन्होंने टाइम्स में एक लेख लिखा है कि वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट में कमी के साथ हर घर को अपने ऊर्जा बिलों पर लगभग 200 पाउंड की बचत होगी। ब्रिटेन इस साल पहले से ही उच्च ऊर्जा बिलों को 3 गुने से ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में है। इसे देखते हुए चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार कोई मल्टी बिलियन डॉलर के राहत पैकेज का ऐलान नहीं करती है तो लाखों की संख्या में लोग गरीबी की चपेट में जा सकते हैं। उन्होंने अपनी योजनाओं का जिक्र करते हुए लेख में लिखा कि उनकी योजनाएं सबसे कमजोर लोगों के लिए समर्थन, पेंशन भोगियों के लिए समर्थन और सभी के लिए कुछ समर्थन को कवर करेंगी। उन्होंने कहा कि लोगों और पेंशन भोगियों के सबसे कमजोर समूह को उनके कल्याण के लिए सरकारी मदद दी जाएगी। सुनक ने यह भी कहा कि वो सरकार भर में बचत की पहचान करने के लिए एक कार्यक्रम चलाकर योजना के लिए भुगतान करेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमें सरकार में कुछ चीजों को रोकना होगा। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।